Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इसराइल के हमलों से एक बार फिर पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। पिछले कुछ महीनों के अंदर इसराइल ने पांचवें देश पर हमला किया है। पहले इसराइल ने फिलिस्तीन पर अटैक किया, फिर सीरिया पर, उसके बाद यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला किया और अब इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत और ईरान की राजधानी तेहरान पर अटैक किया है। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के कमांडर को हवाई हमले में मार गिराया है। इसराइल ने जिस कमांडर को मारा है उसका नाम फाउद सुकर है और इस पर अमेरिका ने $5 मिलियन का इनाम रखा था। इसराइल ने गोलन हाइट्स में मारे गए 12 बच्चों के बदले हिजबुल्ला पर ये कार्रवाई की है। इसराइल के हमलों से जहां लेबनान की राजधानी बेरूत में तबाही हुई है, वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में इसराइल ने हमास की जड़ पर प्रहार किया है। इसराइल ने हमास के कमांडर इस्माइल हानिया को तेहरान में मार गिराया है। हालांकि इसराइल ने अभी तक इसकी आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास चीफ की मौत की खबर सामने आने के बाद इसराइल के कई मंत्रियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। इसराइल के एक मंत्री ने हमास के चीफ की मौत पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि दुनिया से इस गंदगी को साफ करने का यही सही तरीका है। इस्माइल हानिया की मौत से दुनिया में शांति आएगी। हालांकि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मामले पर मंत्रियों को कुछ भी बोलने से मना किया है। वहीं ईरान ने इसराइल को धमकी दी है और कहा है कि इसराइल को इस हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रूस और तुर्की ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। आपको बता दें कि ईरान ने अपने नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के कई देशों को इनवाइट किया था, जिसमें भारत से नितिन गडकरी भी भाग लेने ईरान गए थे और वो इस समय ईरान में ही हैं। इसी समारोह में हमास के चीफ इस्माइल हानिया भी शामिल थे, जिन पर ये हमला हुआ और उनकी मौत हो गई।